हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडुलम वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑफ 28 जनवरी 2020। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस करंट अफेयर्स क्विज को डेली फॉलो करें। और इसमें आपके ना ही करंट अफेयर्स के क्विज बल्कि जो करंट अफेयर्स भी हैं वो भी कवर हम साथ साथ में करते हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोस्त जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन वाज नेशनल कैडेट कॉर्प्स फॉर्म्ड? राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन कब किया गया था? आपको ऑप्शंस गिवन है 1948, 1949, 1950 और 1951। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1948। फ्रेंड्स, अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है अवार्ड दिए हैं टू द मेरिटोरियस कैंडिडेट्स ऑफ द एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी से ये शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा जाना जाता है। एंड द अवार्ड्स वर गिवन एट करियप्पा परेड ग्राउंड इन न्यू दिल्ली। और ये अवार्ड जो है, ये दीज वर पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। नेशनल कैडेट कॉर्प्स की बात करें, एनसीसी की बात करें, तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि फॉर्म हुई थी अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948। एंड ये एक ट्राई सर्विस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो यूथ्स को दी जाए फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ओके, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर सेंट्रल जोनल काउंसिल? निम्न में से कौन सा राज्य केंद्रीय आंचलिक परिषद के अंतर्गत शामिल नहीं है? आपको ऑप्शन गिवन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी जो है 22nd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रही है, एंड इट इज़ बीइंग चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। ओके, एंड इस जोनल काउंसिल में कौन कौन आता है? सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स हैं? आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेंट्रल जोनल काउंसिल का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट है। और यूपीएससी में भी वो पूछ सकते हैं, आपको चार ऑप्शंस दे देंगे एंड उसमें से पूछेंगे कि आउट ऑफ दीज फोर कौन सा इनमें से इंक्लूडेड है या नहीं है। ओके, इन 2018 द मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल वॉज हेल्ड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2018 की मीटिंग कहाँ हुई थी? लखनऊ में, यूपी में। एंड जोनल काउंसिल की बात करें तो ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। ठीक है, क्योंकि ये बने फॉर्म हुए थे अंडर दी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, और इसमें 5 जोनल काउंसिल्स हैं हमारी, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ जोनल काउंसिल। एंड ये सारी जो काउंसिल्स थी वो 1957 में सेटअप हुई थी अंडर दी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली जो काउंसिल है वो सेपरेटली क्रिएट हुई थी अंडर दी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। ओके, एंड इट केम इन टू इफेक्ट इन 1972। ओके, सो उसके बाद जो है ये जो काउंसिल्स हैं इनको चेयर कौन करता है? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्स द जोनल काउंसिल्स। ठीक है, तो इसमें कौन चेयर करता है? इसको यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इसका वाइस चेयरमैन कौन होता है? तो वाइस चेयरमैन कौन होता है? इसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं रेस्पेक्टिव स्टेट्स के, जो कि वाइस चेयरमैन बनते हैं ऑन दी रोटेशन बेसिस फॉर 1 ईयर। ठीक है, रोटेशन बेसिस पे बनते हैं एक एक साल के लिए वाइस चेयरमैन रिस्पेक्टिव स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये फैक्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसमें 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं कि सेंट्रल जोनल काउंसिल जो है इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। 2018 की मीटिंग हुई थी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत बने थे। इसमें 5 जोनल काउंसिल हैं, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। एंड इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो अलग से सेपरेटली फॉर्म हुआ था। ठीक है, एंड जो काउंसिल्स हैं, जोनल काउंसिल्स, इनको चेयर करता है यूनियन होम मिनिस्टर, एंड वाइस चेयरमैन होते हैं उसके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, जो कि रोटेशन बेसिस पे एक साल के लिए बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच परसेंटेज विल बी डाइवेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एयर इंडिया? एयर इंडिया में भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का विनिवेश किया जाएगा? आपका ऑप्शंस गिवन है 26, 74, 50% एंड 100%। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 100%।
फ्रेंड्स, अभी गवर्नमेंट ने जो है इनवाइट किए है बिड्स टू सेल 100% स्टेक इन एयर इंडिया एक्सप्रेस, एंड इसमें जो है एयर इंडिया में इन्होंने अपना जो है स्टेक बेचने की बात की है, एंड गवर्नमेंट विल बी सेलिंग 50% स्टेक इन जॉइंट वेंचर AISATS, दैट इज एयर इंडियन एंड सैट्स लिमिटेड का जो जॉइंट वेंचर है उसमें वो 50% स्टेक जो है बेचने वाली है। एंड एयर इंडिया की बात करें तो ये फाउंड हुई थी 1932 में एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्बानंद सोनोवाल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सर्बानंद सोनोवाल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सो आपको ऑप्शन गिवन है गुजरात, असम, उत्तराखंड एंड पंजाब। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज असम। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके CHSL में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे अभी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था CHSL का, उसमें उन्होंने पूछा था कि एक शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में उन्होंने पूछा था कि जो एक CM सिक्किम के जो CM है उनका नाम गिवन था, आपसे पूछा गया था कि वो किस स्टेट के CM है। सो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के या गवर्नर्स हैं उनकी एक बार लिस्ट ज़रूर रेफर करें। ओके, चलिए, ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि अभी सेंटर ने साइन किया है बोडो पीस अकॉर्ड विद 4 फैक्शंस ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एंड सिविल सोसाइटीज़। तो बोडो पीस अकॉर्ड साइन किया गया है और ये साइन जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, इट वाज डन इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और असम के चीफ जो है सर्बानंद सोनोवाल, राइट। एंड इस जो भी ये पीस अकॉर्ड साइन हुआ है उसके अंतर्गत क्या होगा कि सेंटर एंड स्टेट विल बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1500 करोड़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इबोडो कम्युनिटी। इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और लैंड राइट्स भी दिए जाएंगे इन कम्युनिटी को, ठीक है, और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए भी स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। एंड बोडो कम्युनिटी की बात करें तो इट इज़ एन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ असम एंड दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कल भी मैंने जो पिछले करंट अफेयर्स थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था 6th शेड्यूल के बारे में। इसमें आपके 4 स्टेट्स आते हैं, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी AMTM, दैट इज असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखें कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म अ बॉर्डर विद नेपाल। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? आपका ऑप्शंस गिवन है वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज झारखंड। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी कोरोना वायरस जो कि बहुत ही न्यूज़ में है, उसके केसेस पाए गए हैं नेपाल में, एंड क्योंकि नेपाल इज बॉर्डरिंग कंट्री, इंडिया की जस्ट नेबरिंग कंट्री है और काफ़ी स्टेट्स के साथ ये जो है बॉर्डर शेयर करती है इंडियन स्टेट्स के साथ, तो वो फैले ना कोरोना वायरस, उसके लिए जो है इंडिया ने जो है विजिल इंक्रीज कर दिया है इन द डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग नेपाल, ओके। एंड इसमें हेल्थ टीम्स भी डिप्लॉय कर दी गई हैं एट द बॉर्डर आउटपोस्ट एट झूलाघाट, जौल जीबी इन पिथौरगढ़ ऑफ उत्तराखंड, ओके। सो आप ये मैप में भी देख सकते हैं नेपाल की लोकेशन, नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, एंड इसको बॉर्डर करने वाली कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडियन स्टेट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि जब भी आप कोई भी प्लेसेस के बारे में पढ़ें तो एक बार मैप में ज़रूर देखें, बहुत क्लैरिटी आती है और आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, कोरोना वायरस जो है, क्योंकि ये इसका चाइना में ये काफ़ी फैल गया है कोरोना वायरस, एंड इसका जो नया स्ट्रेन पाया गया है, इसका जो नया टाइप पाया गया है, उसको NCOV के नाम से WHO ने आइडेंटिफाई किया है। NCOV मतलब कि नोवल कोरोना वायरस, ठीक है। और ये कोरोना वायरस क्या है, ये आपका एक नॉर्मल कॉमन इन्फेक्शन की तरह ये क्रिएट करता है, जैसे कॉमन कोल्ड के जो वायरस होते हैं उसी के टाइप का वैसा होता है, बट ये जो है दोनों में फैल सकता है, मतलब एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में भी ये फैलता है, एंड इससे जो है काफ़ी रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो जाते हैं जिससे फाइनली डेथ भी हो जाती है। सो ये काफ़ी ख़तरनाक हो गया है अभी इस टाइम पे, काफ़ी फैल रहा है ये, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं? आपको ऑप्शंस गिवन है ओम बिरला, जितेंद्र दास,
M.V. Naidu, none of the above. So friends, the correct answer is option A, that is Om Birla. Friends, ये news में क्यों है अभी? क्योंकि government ने all party meet invite बुलाई है before the budget session on January 31st, 2020. एंड जो मीटिंग है, मीटिंग का एम ये है कि सारी पार्टियों से मिलकर बात की जाए और जो पार्लियामेंट में जो भी स्मूथ बिजनेस जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको स्मूथली कंडक्ट किया जाए. ओके, एंड ये जो मीटिंग है लोकसभा में, इसको कौन प्रिसाइड करेगा? इसको लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, जो कि करेंट में कौन है? ओम बिरला है. और राज्यसभा में इसको कौन चेयर करेगा? ऑफ कोर्स जो चेयरमैन है राज्यसभा के, कौन? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज एम वेंकैया नायडू. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लग्जमबर्ग? लग्जमबर्ग की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? आपका ऑप्शंस गिवन है कीव, लग्जमबर्ग, अस्ताना एंड ब्रुसेल्स. फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लग्जमबर्ग. लग्जमबर्ग की जो कैपिटल है वो लग्जमबर्ग ही है. फ्रेंड्स, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर्स हैं लग्जमबर्ग के, जीन एसेलबॉर्न, ही हैज़ अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया. तीन दिवसीय यात्रा पर वो भारत आए हैं. एंड ये जो मिनिस्टर हैं, ही विल बी मीटिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके साथ ही मुलाकात करेंगे. उन्होंने राजघाट पर भी विजिट किया, जहाँ पे गांधी जी जो हमारे फादर ऑफ नेशन है उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए. एंड लग्जमबर्ग की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल लग्जमबर्ग है एंड इसकी करेंसी है यूरो. आप यहाँ मैप में देख सकते हैं लग्जमबर्ग की लोकेशन, दिस इज लग्जमबर्ग. एंड इसकी जो बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज हैं वो है जर्मनी, इधर ये बेल्जियम एंड हेयर इट इज फ्रांस. ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट इज कानियन इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कानियन निम्नलिखित में से किस देश का शास्त्रीय नृत्य है? आपका ऑप्शंस गिवन है इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड रशिया. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज श्रीलंका. फ्रेंड्स, ये डांस क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि श्रीलंका जो प्राइम मिनिस्टर है करेंटली, महिंदा राजापक्षे, ही हैज थैंक्ड इंडियन गवर्नमेंट फॉर अवॉर्डिंग पद्मश्री टू श्रीलंकंस. ठीक है, दो श्रीलंकन को पद्मश्री अवार्ड अनाउंस हुआ है, तो उनके लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार को धन्यवाद दिया है. एंड ये किस किस को दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है डॉक्टर वजीरा चित्रसेन को एंड लेट प्रोफेसर इंद्रा दसा नाइके. ओके, एंड डॉक्टर वजीरा चित्रसेन को किस लिए दिया जा रहा है? फॉर एनरिचिंग इंडो श्रीलंका रिलेशंस थ्रू हर डांस फॉर्म विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ कांडियन एंड उड़ीसी. ठीक है, उनके आर्ट के फील्ड में उनको दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक डांस फॉर्म के रिलेशन में, जो कि किस किस दो डांस फॉर्म से फॉर्म ब्लेंड है, किन किन दो डांस फॉर्म्स का वो मिश्रण है, वो है कांडियन जो कि श्रीलंका का क्लासिकल डांस है एंड उड़ीसी जो कि इंडियन क्लासिकल डांस है. ठीक है, तो ये भी आपके लिए आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि डांस फॉर्म्स पे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे UPPCS हो. ठीक है, या फिर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, उसमें भी ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से. सो आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं. देन जो लेट प्रोफेसर हैं इंदिरा दसा नाइके, तो उनको जो है अवार्ड दिया जाएगा फॉर प्रमोटिंग दी हिंदी लैंग्वेज इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ श्रीलंका. उनको ये पॉस्थमसली दिया जा रहा है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल होस्ट थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव? निम्न में से कौन सा राज्य तृतीय ग्लोबल आलू कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? आपका ऑप्शंस गिवन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात. फ्रेंड्स, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इनॉग्रेट करेंगे थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, जो कि गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज हो रही है. ये जो कॉन्क्लेव है इसके तीन कॉम्पोनेंट्स हैं. ठीक है, क्या क्या कॉम्पोनेंट है? पोटैटो कॉन्फ्रेंस, एग्री एक्सपो एंड पोटैटो फील्ड डे. एंड इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज कर कि ये पोटैटो से रिलेटेड है, तो ये इंडियन पोटैटो एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है इन एसोसिएशन विद, किसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला एंड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लीमा पेरू. ओके, एंड इसमें जो नीदरलैंड है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि इसकी कोई पूछ सकता है आपसे कि इसकी पार्टनर कंट्री इस कॉन्क्लेव की कौन सी है, तो वो है नीदरलैंड्स. ओके, एंड अबाउट 100 डेलीगेट्स फ्रॉम 14 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस
कॉन्फ्रेंस. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. को ब्रांड हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. को ब्रांड जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है. आपको ऑप्शंस गिवन है बास्केटबॉल फुटबॉल हॉकी एंड टेबल टेनिस. सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज बास्केटबॉल. फ्रेंड्स अभी जो है जो रिटायर्ड नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन प्लेयर जो थे कोब्रांड और उनकी बेटी का हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है. एंड ही वॉज पार्ट ऑफ द US टीम इन द 2018 बीजिंग ओलंपिक्स एंड 2010 लंडन ओलंपिक्स जहाँ पे उन्होंने US के लिए गोल्ड जीता था. एंड ही वॉज ऑल्सो अ 5-time नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैम्पियन भी रह चुके हैं. सो ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में. सो आप इसको अच्छे से याद कर लें क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं. आपको इसी तरह से पूछा जा सकता है कि कोब्रियन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस खेल से संबंधित है. इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है एंड नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की बात करें तो ये एक मेन्स प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है नॉर्थ अमेरिका की. ओके सो फ्रेंड्स आई थिंक आई हैव कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड द करंट अफेयर्स क्विज सेक्शन ऑफ 28 जनवरी 2020. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने व्यूज़ कमेंट करें एंड हमारे चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें टू रिसीव नोटिफिकेशंस. थैंक यू.